चुलबुली अभिनेत्री दिव्या भारती, पूरा नाम दिव्या ओम प्रकाश भारती। दिव्या का जन्म 25 फरवरी सन 1974 मुंबई में हुआ। आमतौर पर जब भी दिव्या भारती का नाम सामने आता है तो लोगों के जहन में यही बात आती है कि अरे ये तो वही हीरोइन थी ना जो बहुत कम उम्र में गुजर गई थी, अपने ही घर की खिड़की से गिर गई थी और इसकी मौत हो गई थी। अंत से पहले की शुरुआत की दास्तान है दिव्या भारती की ये जिंदगानी। ए मिस्टर, ऐसे क्या घूर रहे हो? दिव्या भारती ने यूं तो अपना करियर शुरू किया था तेलुगु फिल्मों से। पहली फिल्म थी बोबीली राजा जो कि सन 1990 में आई थी और उसके बाद हिंदी फिल्मों की तरफ इन्होंने रुख किया। हाय भारती। हेलो जैक। हाय, क्या स्माइल है। ओवरएक्टिंग मत किया करो जैक। दिव्या भारती के पिता ओम प्रकाश भारती दरअसल एक इंश्योरेंस ऑफिसर थे। दिव्या भारती अपने पिता की दूसरी पत्नी की संतान रही जिनका नाम रहा मीता भारती। इनके छोटे भाई का नाम है कुणाल। इनके पिता की पहली बीवी से भी दो संतानें हुई थीं। अभिनेत्री कायनात अरोरा इनकी कजिन हैं। दिव्या ने मुंबई के जुहू इलाके के माणिकजी कूपर हाई स्कूल से पढ़ाई की। इन्होंने 9th स्टैंडर्ड तक तो पढ़ाई की। ये बड़े ही साधारण विद्यार्थी थीं और पढ़ाई के बीच में ही इन्होंने एक्टिंग का दामन थाम लिया था। कानून की गुनाह पर पर्दा डालने से पहले कानून के इस मुलाजिम को बेरहम और जालिम कानून की सही सूरत देख लेने दो। दरअसल फिल्म मेकर नंदू तोलानी ने दिव्या भारती को तलाशा था। एग्जैक्टली। हालांकि दिव्या की शुरुआत सन 1988 की फिल्म गुनाहों का देवता से होनी थी पर इनका रोल हटा दिया गया था। जबरदस्त अभिनेता गोविंदा के बड़े भाई कीर्ति कुमार ने एक वीडियो लाइब्रेरी में दिव्या को देखा था और मन बना लिया था कि फिल्म राधा का संगम में गोविंदा के साथ दिव्या को बतौर हीरोइन लिया जाएगा। कमाल की बात यह है कि दिव्या को साइन तो किया गया था पर आखिरी मौके पर जूही चावला आ गईं और दिव्या फिल्म से बाहर हुई। मगर एक बात कान खोल कर सुन लो, ये सौदा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई मर्तबा हुआ। बहुत सारे ऐसे मौके आए जब दिव्या को फिल्म से बाहर किया गया और दूसरी अभिनेत्रियों को जगह मिली। ये बात रुकी रही, इनका करियर रुका रहा, लेकिन डी रामा नायडू जब आए तो इन्होंने अपनी तेलुगु फिल्म बोबली राजा में इन्हें डगुबटी वेंकटेश के साथ बतौर हीरोइन लिया। बोबली राजा जबरदस्त हिट साबित हुई और फिर एक तमिल फिल्म में भी दिव्या नजर आई। फिल्म का नाम था नीला पेने जिसमें आनंद इनके हीरो थे। तेलुगु सिनेमा में दिव्या भारती ने धूम मचा दी थी। राउडी अलडू रही हो या फिर असेंबली राउडी जिसमें चिरंजीवी और मोहन बाबू के साथ इन्होंने काम किया था, ये दोनों ही फिल्में जबरदस्त हिट साबित हुई थी। दक्षिण भारतीय फिल्म्स में तो दिव्या का नाम चमक रहा था पर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री भी इनका इंतजार कर रही थी। सनी देओल के साथ ये बतौर हीरोइन आई फिल्म विश्वात्मा में, फिर दिल का क्या कसूर जिसमें इनके साथ पृथ्वी ने काम किया और इस फिल्म को लॉरेंस डिसूजा ने बनाया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल नहीं दिखा पाई जिसकी उम्मीद की जा रही थी और तभी आई वो फिल्म जिसने धमाल मचा दिया। ये फिल्म थी शोला और शबनम। लक्स फेस ऑफ द ईयर टाइटल भी दिव्या भारती को मिला था इस फिल्म के बाद। गोविंदा के साथ दिव्या की जोड़ी जबरदस्त रही। मैं देखना चाहता था कि मेरे गैरहाजिरी में तुम्हारे चेहरे की रंगत कितनी बार बदल। इमोशंस रहे। कुसूर मैंने किया है तुम्हें ना पहचानने का। पहचानने में बहुत देर कर दी दिव्या, अब मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं। डांस रहा या फिर कॉमेडी। अभी विश्राम कराता हूँ, पता तो लगे आखिर ये बुढ़ऊ खोया कहाँ हुआ है। शाहरुख खान ने दिव्या भारती के साथ ही अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। फिल्म दीवाना में ये नजर आए और फिल्म दिल आशना है में भी। ये वो साल था जिसने दिव्या भारती की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी थी। फिल्म आई थी जान से प्यारा, गीत, दुश्मन जमाना और सुनील शेट्टी की डेब्यू फिल्म बलवान। तुझे किसी ने ये नहीं बताया कि वो सलाखे इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह पक्ष ने बना लिए। मल्टी स्टारर फिल्म क्षत्रिय में भी दिव्या नजर आई जिसमें इनके साथ थे सनी देओल, संजय दत्त और रवीना टंडन। फिल्मों का काम धूमधाम से चल रहा था पर इनका नाम बहुत सारे एक्टर्स के साथ जोड़ा जा रहा था। मैडम ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। और दिव्या तब एक टीनेजर ही थी। सोला, उम्र है सोला।
इन तमाम कॉन्ट्रोवर्सी को खत्म कर दिव्या शादी के बंधन में बंध गई। 10 मई सन 1992 ये वो दिन रहा जब मशहूर निर्माता साजिद नाजटवाला के साथ इन्होंने शादी की। तब दिव्या मात्र 18 बरस की थी। यह मुलाकात फिल्म सिटी पर हुई थी जब साजिद शोला और शबनम के सेट्स पर गोविंदा से मिलने पहुंचे थे। पहली नजर का ये प्यार था। शादी होते ही इन्होंने ये राज दुनिया से कुछ वक्त तक छिपा के रखा। और फिर रात 12:15 बजे 5 अप्रैल सन 1993 वो घड़ी आई जब दिव्या भारती ये दुनिया छोड़ चली गई। मुंबई शहर के वर्सोवा इलाके की तुलसी बिल्डिंग में दिव्या भारती रहती थीं। 5वीं मंजिल पे इनका घर था और ये अपने घर की खिड़की से गिर गईं और इनकी मौत हो गई। बहुत सारे कयास लगाए गए कि ये सुसाइड था या फिर एक्सीडेंट या फिर मर्डर या फिर कुछ और, पर इसे एक हादसा ही माना गया। और इस हादसे में 19 साल की चुलबुली खूबसूरत हुनरमंद अभिनेत्री दिव्या भारती चली गई। दिव्या के जाने के बाद कुछ ऐसी फिल्म्स भी रहीं जिन्हें नए सिरे से फिर बनाया गया। रंग और शतरंज ये फिल्में थीं जो दिव्या भारती पूरी करके गई थीं। अनिल कपूर की फिल्म लाडला 80% तक पूरी हो चुकी थी जब दिव्या भारती का निधन हुआ और बाद में श्रीदेवी ने वो रोल निभाया। और भी कई फिल्मों में दूसरी हीरोइंस आईं जैसे कि मोहरा, विजय पथ और आंदोलन। तेलुगु फिल्म का भी यही हाल रहा। दिव्या भारती ने बहुत कम समय में वो मुकाम हासिल कर लिया जिसे पाने के लिए बड़े बड़े एक्टर्स 30 साल लगा देते हैं। ईरान में श्रीदेवी और अमिताभ बच्चन के साथ दिव्या भारती के पोर्ट्रेट्स भी मिलते हैं और इन्हें बतौर ब्यूटी क्वीन लोग याद करते हैं। भारतीय सिनेमा के इतिहास में वाकई ये एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसके जाने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में एक अजब खामोशी छा गई।